स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 17 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 83वें नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ वर्मा ने। सौरभ वर्मा ने 83वें नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सौरभ वर्मा ने इस टूर्नामेंट का खिताब तीसरी बार जीता है। सौरभ वर्मा ने 4 साल बाद इस खिताब को अपने नाम किया है। सौरभ वर्मा ने फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को हराया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूलों को एनआरआई टीम ने 10 LED प्रदान किए हैं? तो पंजाब। पंजाब राज्य के स्कूलों को एनआरआई टीम ने 10 LED प्रदान किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़। पंजाब के जो गवर्नर है वीपी सिंह बेंदोरे। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह। पंजाब की जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है 2.8 करोड़, और ये कब की है? सन 2012 की। तो ये थी पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल सुरंग का शिलान्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल सुरंग का शिलान्यास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है 12.6 लाख, और कब की है? सन 2012 की। अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो ईटानगर। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया है? तो हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राज्य में स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है वो चंडीगढ़, ये हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ये हरियाणा के गवर्नर है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। तो ये थी हरियाणा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? तो तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य के जो गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, ये तमिलनाडु राज्य के गवर्नर है। तमिलनाडु की कैपिटल है वो चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है इडापड़ी के पलानीस्वामी, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। तमिलनाडु के अंदर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट। तो ये थी तमिलनाडु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कितने T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए? तो 300 T20। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 300 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। महेंद्र सिंह धोनी ने टोटल 300 T20 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने 298, सुरेश रैना ने 296 और दिनेश कार्तिक ने 260 T20 मैच खेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी ने हिंदी को अपने अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को अपने
अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो आबू धाबी, यहाँ की जो करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, यूएई की जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नाहियान, इसके अलावा यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो ये थी यूएई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लिए तेंदुआ को शुभंकर के रूप में चुना गया है, ये खेल किस राज्य में होगा? तो मेघालय में 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लिए तेंदुआ को शुभंकर के रूप में चुना गया है और ये खेल मेघालय राज्य में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग, ये मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के जो गवर्नर है वो ताथा गोटा ग्रोय, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है वो कॉर्नर संगमा। इसके अलावा मेघालय का जो फॉर्मेशन किया गया था वो किया गया था 21 जनवरी 1972 को। तो ये थी मेघालय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।